अभी शुरुआती रुझान है, आम आदमी पार्टी का भी खाता हरियाणा के अंदर खुलेगा, आम आदमी पार्टी को भी एक अच्छा वोट शेयर हरियाणा के अंदर मिलेगा। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चने पी के, चने खाकर पानी पी के काम करता रहा। हमारे पास ना पैसे थे, हमारी लीडरशिप इन्होंने जेल के अंदर डाल के रखी, इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर भी हमने चुनाव मजबूती से लड़ा और एक अच्छा वोट शेयर आम आदमी पार्टी वहां पर लेगी। आज ये शुरुआती रुझान है, कभी कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, कभी बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, परंतु बीजेपी का जाना सुनिश्चित है। लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं दिख नहीं रही अभी रुझानों में। अभी शुरुआती रुझान है, आप देखिए हमारे कई उम्मीदवार बहुत मजबूती के साथ लड़े और मुझे लगता है कि हमारा खाता जरूर खुलेगा। अभी चुनाव आयोग के आंकड़ों की हम बात करें, हरियाणा में 41 सीटों पे बीजेपी आ गई है, कांग्रेस पार्टी पीछे होकर 34 सीटों पे पहुंच गई है। ये शुरुआती रुझान है, मैं समझता हूं कि हमें इंतजार करनी चाहिए, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्द होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के परिणाम को आप कैसे देखते हैं? मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे सभी प्रत्याशियों ने जीतोड़ मेहनत की है, हमने पॉजिटिव राजनीति इसके अंदर की, हमने हम क्या करेंगे, हम हरियाणा को कैसे बदलेंगे, हमने ये बातें की, हमने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हरियाणा के अंदर नहीं की है और सकारात्मक परिणाम की मैं अभी उम्मीद करता हूं। अभी जो ट्रेंड दिख रहा है इसमें कांग्रेस पार्टी कम सीटों के मार्जिन से पीछे होती दिख रही है, हारती दिख रही है। आपके नेताओं ने, आप लोगों ने भी कई बार कहा गठबंधन को लेकर जब बातचीत हो रही थी कि हमें कम आंकने की भूल न करें, तो अगर कांग्रेस पार्टी की हार होती है तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की भूमिका होगी इसमें? नहीं नहीं, फिर भी हमारी इच्छा तो यह है कि बीजेपी की विदाई हरियाणा से होनी चाहिए। आप चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार बने? बड़ी स्पष्ट बात यह है कि किसी की भी बने, परंतु इस अहंकारी भारतीय जनता पार्टी की विदाई वहां से होनी चाहिए। मैंने जो सवाल किया सर कि अगर कांग्रेस पार्टी की हार होती है, क्योंकि आप लोग एक निर्णायक भूमिका में खुद को देखते रहे कि किंग मेकर बनेंगे, तो अगर सरकार देखिए ये आकलन करना मेरा काम नहीं है, दोनों पार्टियों का आलाकमान इसका आकलन करेगा कि उसके क्या लाभ हुए, क्या नुकसान हुए, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। हमने सकारात्मक प्रयास तब किया था और सकारात्मक राजनीति के साथ ही हम हरियाणा का चुनाव लड़े। अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन के दौरान कई बार कहा कि अगर 2-3 महीने पहले मुझे रिलीज कर दिया होता तो हम सरकार बनाने की भूमिका। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को उन्होंने जेल के अंदर बंद करके रखा, हमारे पास एक रूपया नहीं था चुनाव लड़ने के लिए। मैंने पहले कहा कि मेरा एक एक कार्यकर्ता, एक एक कैंडिडेट चने खा के पानी पी के काम करता रहा, हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, परंतु इन बड़े बड़े संसाधन वालों से हमने वहां पे टक्कर ली और बड़ी खूबसूरती से चुनाव लड़ा। परिणाम जनता का जो भी आदेश होगा उसको भी स्वीकार करेंगे। जगाधरी, भिवानी और 2-3 सीट हम देख रहे हैं जहां पे आम आदमी पार्टी दूसरे तीसरे नंबर पे है, बीजेपी वहां पे आगे चल रही है, तो आपको लगता है कि इन सीटों पे अगर गठबंधन में आप चुनाव लड़ते तो कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकता है? देखिए मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा, हमारा राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन हुआ, बीजेपी बैसाखियों पे आ गई, यहां पर भी होता तो परिणाम बहुत कुछ बदल जाता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।